मिश्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग है ना, एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। और ये जो ट्रिप है ना, बिल्कुल अनप्लान्ड है। मतलब परसों हमारी बात हुई कि चलना है, और दोपहर के टाइम पे टिकट बुक हुआ। आप देख लो यहाँ पर, मैं टिकट का वो डाल दी, टाइम डाल दी, एकदम इस टाइम पे हुआ। और बातें हुई कि अब चलना तो है, ठीक है, मगर मैं कुछ प्लान नहीं की थी कि कपड़े वगैरह का। प्लस मॉनसून का टाइम चल रहा है, बारिश भी बहुत हो रही है। अभी भोपाल में बहुत बारिश हो रही है। इवन अभी मैं सो के उठी, कल तक तो वेदर बहुत अच्छा था, आज उठी सो के तो देखी कि बहुत तेज हो, मतलब बहुत जोर से बारिश हो रही है। पता नहीं, अभी तो मुझे सामान वगैरह भी पैक करना है। मैं सोची थी कि कल पैक कर लूंगी, मगर राहुल बहुत लेट से आए थे, लाइक 12-1 बजे तक वो आए थे, तो सो के उठने में ही टाइम लग गया। अभी मैं 8:00 के कुछ मिनट पे उठी थी, फ्रेश वगैरह होके। मैं सोची अब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं, सो अब मैं स्टार्ट की हूँ, अब जा रही हूँ मैं, पैक वगैरह करूंगी, तो ठीक है। सो आपके साथ पैकिंग करती हूँ, चलो। सो हमारा बस ना 4 दिन का ही ट्रिप था, तो हम लोग ज़्यादा सामान नहीं रख रहे थे। मैं अपना, राहुल का सामान जल्दी जल्दी रख ली, और उसके बाद फुटवेयर रखने की बारी आई, तो ये फॉर्मल शूज़ राहुल का, जो मीटिंग में उसको पहनना था। मैं अपना यहाँ एक फ्लैट रखी थी, और फिर मेकअप का पाउच रखी जिसमें मेरे सारे मेकअप, और ये स्पेस छोड़ी हूँ मैं कि अगर कुछ छूटता है तो फिर इसमें मैं रख दूँगी, फिर अच्छे से पैक वैक कर लूँ। और यूज़ नहीं करोगे, एक ट्रॉली में हम दोनों का सामान आ गया, पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर मैं देखने गई बाहर, तो ये बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं रह रहा है, कि बस बरसे जा रहा है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर आज नाश्ते में क्या बना था। हम लोग आलू का पराठा बनवाए थे, और टमाटर की तीखी चटनी, और ये कोई फ्रूट्स था जो बचा हुआ था, हम लोग सोचे इसको ख़त्म करके जाना है। फिर मैं खाना खाने के बाद, फिर नाश्ता करने के बाद, फिर मैं सोची कि पैक कर लेती हूँ अपना लंच का भी। सो मैं आलू पराठा पैक कर ली, और उसके बाद मैं मिर्च का अचार पैक कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि अरे यार, लास्ट टाइम हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था मिर्च का अचार रखने का। सो वो उन्होंने निकलवा दिया था, एयरपोर्ट पर अलाउ नहीं करते हैं वो मिर्च का अचार वगैरह। सो मैं फिर आम का अचार रखी, फिर से उसको पैक वैक कर ली, और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। बहुत चंपू सा लग रही हूँ, क्योंकि मैं थर्सडे को निकल रही थी, थर्सडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती, तो उसकी वजह से नहीं की थी, और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। और देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है, क्योंकि आज भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही थी। सो पूरा रास्ता, मतलब जो भी रास्ता था, उसे ब्लॉक कर दिया गया था उनके लिए। और हम लोग अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमारी फ़्लाइट ना छूट जाए यार, टाइम निकला जा रहा है, कहीं ज़्यादा पैसे ना लग जाए, कहीं महंगा ना पड़ जाए। फिर जैसे तैसे करके ट्रैफिक खुला, मतलब जाने को अलाउ किया। फिर मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ उस ड्राइवर का, जिसने हमें बहुत सेफली एयरपोर्ट तक पहुँचा दिया। और फिर हम लोग दौड़ के जल्दी जल्दी गए चेक इन करवाने के लिए, क्योंकि चेक इन भी एक बहुत बड़ा लफड़ा रहता है, उसे भी क्लियर करो जल्दी जल्दी। एक्चुअली हमारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी, और चेक इन में लड़कों को टाइम लगता है, तो मैं ट्रॉली लेके निकल गई। और अब देख रहे हो यहाँ पे कोई नहीं है, सारे लोग बैठ चुके हैं, पूरा खाली है। मैं सोची कि मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, रोक के रखूंगी, भाई मेरा हस्बैंड आ रहा है। और फिर फाइनली हम लोग बैठ गए, और बहुत सुकून मिला। और मतलब ये जब फ्लाइट पकड़ाती है, कोई भी चीज़ अगर आपकी छूट रही हो और वो मिल जाती है, पकड़ लेते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लोग को भी वही फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एयर इंडिया का मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, कि आप किसी भी वक्त, आपकी फ़्लाइट हो ना 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, आपको वो खाने के लिए ज़रूर कुछ देंगे। और मुझे भी यहाँ मिला था काठी रोल, मिला था पनीर और शिमला मिर्च का स्टफिंग था अंदर में, तो बहुत टेस्टी लगा खाने में। और देखो हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, मुंबई। वेदर तो काफ़ी क्लाउडी लग रहा है, ठीक है, मुझे ब्राइट नहीं चाहिए, ऐसे में घूमने में मज़ा भी आता है, तो मैं तो खुश थी इस वेदर से। वीडियो बनाते बनाते और देखते देखते रियलाइज़ हुआ ना कि कितना सुंदर है यार। मतलब मैं इतने ध्यान से कुछ भी नहीं निहारती, मगर ये लाइट वगैरह जो था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। इवन बाहर का भी जो व्यू था ना, वो बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग था, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ राहुल कैब ड्राइवर से पूछ रहे थे कि किधर आना है, क्या ही करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पिकअप पॉइंट पर पहुँचे। यहाँ पे एक सिस्टम है कि इस तरीके से आपको जाना है, वहीं पिकअप जोन पे आपको पिक करेगा। और फाइनली हम बैठने के बाद, ये रहा बाहर का मुंबई, आई मीन वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकले, और ये नज़ारा था। और उसके बाद फिर हम होटल पहुँचे, जल्दी जल्दी से रेडी वगैरह हुई घूमने के लिए। रेडी इट मीन्स कि हेयर वॉश तो कर नहीं सकते, जैसे आपको बताइए, बस मेकअप की थी, लाइट मेकअप रखी थी, कि थोड़ा जा रहा है यार, घूमने जाना है, मुंबई आई हूँ, तो थोड़ा ऐसे ही थोड़ी फटे हाल में निकल लूँ, तो थोड़ा सा तैयार व्यार हुई। फिर उसके बाद मैं जुहू बीच गई। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को क्या दिखता है, ये दिखता है कि कितना भीड़ है यार, मतलब कितने लोग आए हुए हैं। और इतना ही नहीं, मतलब ऐसा था ना कि खा खा कर लोग वहीं पर फेंक देते थे,
ऐसा कुछ साफ बीच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ ये भी था कि अभी थोड़ी देर पहले हाई टाइड आया हुआ था, तो जिसकी वजह से सारा कुछ आ गया है इधर। उसके बाद फिर मुझे खाने का कुछ मन किया, तो मैं यहाँ पे भेलपूरी ट्राई की कि चलो यहाँ मुंबई का फेमस भेलपूरी खाते। और आप देख रहे हो कितना गंदा है, ये हाई टाइड की वजह से है। जो लोग फेंक देते हैं वो हमारे तरफ ही फेंक देता है कि लो भाई तुम लोगों ने मुझे दिया है तो ये तुम्हें मुबारक हो। और ये राहुल के एंगल से, राहुल के कैमरे से ये शूट हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा खाने में बिज़ी थी और वही थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कमेंट्री वगैरह वो कर रहे थे, जो मे भी शायद आपको ना सुनाई दे। देख सकते हैं पूरी ये हाई टाइड उतरने के बाद लोग काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं और नेहा रानी जो है ये मज़ा ले रही है। फिर उसके बाद हम लोग ना साफ़ जगह पे गए खोज कर कि चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस साइड चलते हैं। तो वहाँ थोड़ा पानी साफ़ दिख रहा था और जगह भी साफ़ था, तो मैं थोड़ा ऐसे पानी में थोड़ा खड़े होके वो शूट वगैरह की। और उस टाइम ना बारिश स्टार्ट हो गया और हम लोग छाता वगैरह कुछ लेकर आए नहीं थे, मतलब लेकर मुंबई आए थे बट अपने पास लेकर नहीं आए थे। राहुल को देखो दौड़ते हुए, उसको नहीं भीगना है। फिर बहुत तेज़ हो गई तो फिर मैं भी दौड़ के गई यार कि चलो अब बचना है मुझे। फिर उसके बाद फिर जब वहाँ पहुँचे ना, तो देखिए इधर फूड स्टॉल भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा है खाने के लिए। मतलब अगर हम लोग उधर रहते, बारिश हुई तो हम लोग को पता चला कि इधर फूड स्टॉल भी अंदर में लगता है, तो ये भी अच्छा हुआ हमारे लिए कि हम लोग को पता चला, कुछ नया पता चला कि हाँ चलो अंदर में आप अगर जाओगे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। बहुत ही अच्छा था। और आपको ना हर स्टेट का यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ की स्पेशलिटी होती हैं स्टेट्स की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा खाने को। फिर हम लोग एक देखे फालूदा वाला, मतलब तो वहाँ पे हम लोग गए और मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, क्योंकि आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर भी मैं कोल्ड कॉफ़ी ली और आप देख लो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा कोल्ड कॉफ़ी मिल गया और मैं इसे पी, मैं इन्जॉय की। और आप इस वीडियो भी इन्जॉय करो। उसके बाद बारिश रुक जाती है, फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही आए थे ना उसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग घूमे वगैरह और फोटोज़ नहीं क्लिक करवा पाए थे, बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर बारिश रुकी तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएं। और उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं शाहरुख खान के घर से मिलने, आई मीन घर को देखने। चाहत तो शाहरुख खान को देखने का होता है, बट ठीक है वो ना सही तो ठीक है, मन्नत ही सही। और यहाँ आपको एक बात बताती हूँ, बचपन का बात है ये, बचपन से शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह मैं अपनी डायरी में मेंटेन करती थी, उसके फ़ोटोज़ कट करके मैं पेस्ट करती थी अपने कॉपीज़ वगैरह में, और शाहरुख लिखती थी डायरी में, कॉपी में बहुत सारा चीज़ों में लिखती थी। तो ये एक सब कुछ वो फ्लैशबैक आ रहा था माइंड में कि अरे यार अब वो घर देखूँगी, और देखो ये घर है, ये है मन्ना लैंड्स एंड। मैं बहुत खुश थी यार, मतलब बिलीव नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट टाइम शाहरुख खान को डॉन 2 के प्रमोशन में पटना में अशोका होटल में देखी, तो इतने भीड़ में गई थी मिलने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती कि मैं मुंबई आई हूँ और मैं मन्नत ना देखूँ और ये उनके सामने, उनके घर के सामने का कुछ ऐसा व्यू है। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और ये वीडियो शूट करने का ये पर्पस है मेरा कि आप देखो कि मन्नत के अगल बगल कैसे चीज़ें दिखती हैं, क्या है, कैसा व्यू आता है, क्या लोकेशन है, किस तरीके का दिखता है। सो ये है कुछ सामने में बीच है और ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, उसके जस्ट डायगोनली में ही मन्नत है। और बस इतना ही था, उसके बाद फिर हम होटल अपनी और लौट चले। तो फाइनली हम लोग घूम कर आ गए जहाँ से, आई मीन जहाँ जहाँ घूमना था, जुहू गए हम लोग, जुहू बीच गए, उसके बाद फिर मन्नत गए शाहरुख खान के घर के पास। बहुत थक गई हूँ, मतलब सुबह से रात के 12 बजे से जो मैं जागी हूँ, मतलब सोई नहीं थी अच्छे से, दो चार घंटे का नींद वगैरह पूरा करके, उसके बाद जो सुबह से उठी हूँ जो कर रही हूँ, उसके बाद फिर आई हूँ, उसके बाद फिर रेडी होकर तुरंत गई हूँ घूमने। सो बहुत थक चुकी हूँ, बहुत 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 थक गई हूँ। सो अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, वो जो पराठे मैं पैक की थी ना, वो हम लोग होटल में रात में बैठ के खाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।